भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर हमेशा ही भूस्खलन और मिट्टी धंसने का खतरा बना रहता है। ऐसे में भारी बारिश कई बार पहाड़ों पर बसी जिंदगियों के लिए बड़ी आफत साबित होती है। एशियाई देश फिलीपींस ने साल 2006 में ऐसी ही एक बड़ी तबाही का सामना किया था। फिलीपींस में हुए भूस्खलन की एक घटना में 1126 लोग मारे गए थे। फिलीपींस की पहाड़ी इलाकों में 10 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और फिर हल्के भूकंप के चलते तेज भूस्खलन आया और पहाड़ी इलाकों में बसी जिंदगियों के लिए काल बन गया। यह घटना 17 फरवरी को फिलीपींस के लीते प्रांत में हुई थी। फिलीपींस के लीते प्रांत में 10 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो चुका था और अब लोगों के घरों में पानी भी घुसना शुरू हो चुका था। इसी दौरान भूकंप के हल्के झटके ने सब कुछ तबाह कर दिया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता अधिक नहीं थी, लेकिन फिर भी माहौल काफी भयानक था। बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में मिट्टी का कटाव हो रहा था, इसी वजह से भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा था। भूकंप आया तो इसने भूस्खलन के खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया। आखिर वही हुआ जिसका सभी को डर था। 17 फरवरी 2006 को लीते प्रांत के भूस्खलन ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। लीते प्रांत में स्थित गुइनस्कॉन गांव कब्रगाह बनकर उभरा। भूस्खलन में सबसे ज्यादा तबाही इसी गांव में हुई। गांव जिस पहाड़ी के ऊपर स्थित था, वहां बारिश के चलते मिट्टी कट गई। दूसरी ओर ऊंची पहाड़ियों से भी गांव के ऊपर मिट्टी गिरने शुरू हो गई। जहां गांव के लोग पहले से ही मिट्टी के कटाव के चलते बदतर हालात का सामना कर रहे थे, उन पर यह परेशानी काफी भारी पड़ी। वहीं ऊंचाई पर स्थित पहाड़ों से मिट्टी गिरने से भी लोगों के ऊपर खतरा काफी था। भूस्खलन के चलते गांव में स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गए। बचाव दल पूरे जी जान से फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटा हुआ था। इन लोगों की मदद के लिए मलेशिया से 60 लोगों का एक विशेष दल भी घटना स्थल पर पहुंचा। इसके बाद मलबे और कीचड़ से लोगों की लाशों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। 17 फरवरी की रात को 53 लोगों को मलबे से जीवित निकाला गया। हालांकि रात के समय राहत का काम सुरक्षा कारणों से रोकना भी पड़ा था, लेकिन इसके बाद कई दिनों तक राहत का कार्य चलता रहा, लेकिन जो जिंदगियां खत्म हुई थी वो कभी लौट कर नहीं आई। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।